हैं MNS न्यूज पर, देखते आज की कुछ खास खबरें। इंद्राणी का दावा, चिदंबरम व उनके बेटे को दी थी ₹35 करोड़ की रिश्वत, CBI चार्जशीट। INX मीडिया मामले में दायर CBI चार्जशीट के मुताबिक इंद्राणी मुखर्जी का दावा है कि उन्होंने सिंगापुर, मॉरिशस, बरमूडा, यूनाइटेड किंगडम और स्विट्जरलैंड के रास्ते पूर्व मंत्री पी चिदंबरम को और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को ₹35.5 करोड़ की रिश्वत भेजी थी। CBI ने कहा कि वह 5 देशों से मांगी गई मदद के जवाब का इंतजार कर रही है। CBI ने 4 कंपनियों, 10 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की। अयोध्या में सार्वजनिक स्थलों पर टीवी चैनल की बहस पर प्रशासन ने लगाई रोक। अयोध्या जमीन विवाद केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले स्थानीय प्रशासन ने सार्वजनिक स्थानों पर टीवी न्यूज चैनलों की बहस पर रोक लगा दी है। साथ ही प्रशासन ने चैनलों को बहस में अयोध्या मामले के पक्षकारों को बुलाने पर भी रोक लगाई है। उन्होंने कहा, जिलाधिकारी अनुज कुमार झा, यह आदेश समाचार रिपोर्टिंग को प्रभावित नहीं करेगा। NBSA ने चैनलों को भड़काऊ बहस से बचने की सलाह दी है। मुख्तार अंसारी के बेटे के दिल्ली के घर से 6 देसी विदेशी हथियार, 4431 कारतूस बरामद। बाहुबली नेता और मऊ उत्तर प्रदेश से बहुजन समाज पार्टी विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी के दिल्ली स्थित घर से गुरुवार को लखनऊ और दिल्ली पुलिस ने करोड़ों रुपए के 6 देसी विदेशी हथियार और 4431 कारतूस बरामद किए। इन हथियारों में इटली व स्लोवेनिया से आयातित 1-1 गन और ऑस्ट्रिया से आयातित 2 पिस्तौल और 3 मैगजीन शामिल हैं। अब्बास पर 1 लाइसेंस पर 6 हथियार खरीदने का केस दर्ज हुआ है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखें और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक है ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब फिलहाल वक्त चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहें MNS न्यूज के साथ। नमस्कार।